This is Channels Television's breaking news. छह दिन में एक दिन में पूरा दिन भर हम घर से खाना मंगा के खाए हैं, बाकी छह दिन हो गया है, ना तो हमको बाल्टी मिला है नहाने धोने का, ना मग्गा मिला है, ना कोई चीज़ का सुविधा मिला है। यहाँ पे लाइट भी नहीं रहता है, कैंडल भी नहीं देते हमको। तीन चार दिन बाद कैंडल मिला है। और दूसरी बात यह है, ऐसा मांग किया आप लोग ये सब का, तो उसी दिन आके मांग किया। फार्म भर के ले आता है, बोलता बोले हुआ नहीं, ये नहीं हुआ। रोज हमको सिर्फ यही चीज़ दिखाता है, खाना मिलता है, एक सब्जी मिलता है, और वो भी ढंग का नहीं मिलता है। खाना में क्या क्या खिलाया जाता है? खाना में वही दो तीन दिन आलू सब्जी, आलू तो हर सब्जी में डालता है। किसी दिन दाल बना लिया। अंडा वगैरह, दूध मिला? अंडा सिर्फ एक ही दिन मिला है, दूध नहीं मिला है। छह दिन के अंदर एक दिन अंडा मिला है, और एक सब्जी के अलावा दूसरी सब्जी नहीं अभी तक बना है। दूध वगैरह मिला? दूध कुछ नहीं, ये सब तो मतलब ही नहीं बनता, कभी नहीं मिला हमको। और दूसरी बात, यहाँ पे सब आदमी वही बोतल लेके हम पानी पीते हैं, वही बोतल से हमको फिर खाने की टाइम उसी में पानी पीना पड़ता है, बाथरूम भी उसी बोतल को ले आना पड़ता है। ना यहाँ पे बात वगैरह सही से मिला आप लोग यहाँ से? यहाँ पे कोई चीज नहीं मिला हमको, बेड वगैरह कुछ नहीं? नहीं जी कुछ नहीं, कुछ नहीं, साबुन वगैरह कुछ नहीं, बेड वगैरह का तो सर कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ कमरे के अंदर इतनी गर्मी है, यहाँ कमरे के अंदर जो है इतनी गर्मी है, आप कमरे के अंदर इतनी गर्मी है, ना इसमें पंखा है प्रॉपर, ना कोई चीज है, ना मच्छरदानी मिला है, ना बिस्तर मिला है, कुछ नहीं मिला है सर, यहाँ कोई सुविधा नहीं है। शौचालय में आप देख सकते हैं, जाएंगे इतनी गंदगी है, वहाँ कोई जा नहीं सकता, बच्चा तक नहीं जा सकता। आप जब शिक्षक से इसका विरोध किए तो क्या बताएं? हम विरोध किए हैं, क्या बताएं? हम शिक्षक कह रहे हैं जो आएंगे, आप लोग थोड़ा धीरज रखिए, आएंगे, लेकिन अभी तो कुछ नहीं है सर। अब आप लोग मांग क्या है? हम लोग का यही मांग है सर, जब सरकार हमको नियम का पालन किया है, क्वारंटाइन का जो आपको 14 दिन देना होगा सर, उसी तरह से किसी चीज का व्यवस्था नहीं है जो हम आपका है। आपका नाम? मेरा नाम मुमताज है। आप क्या बोले? एक्चुअली ये बात है, यहाँ पे हम जो मास्टर साहब को कोई चीज के लिए जाते हैं, तो वो हमको ये बोलता है, हमारा क्या बारात में आए आप, जो मिलेगा वही खाना पड़ेगा मास्टर साहब। हाँ, और दूसरी बात ये भी बोलते हैं कि आप लोगों को जो हम देंगे वही सुविधा, और वो अपनी तरफ से फिर कुछ दे नहीं रहा हमें, सिर्फ आपका क्या गर्मी में हमको रहना पड़ रहा है। मास्टर साहब को बोलने जा रहे हैं तो मास्टर साहब क्या बोल रहे हैं? मेरा बारात में आए हो क्या? कुछ कम्प्लेट करने के लिए जा रहे हैं, खाना ढंग से नहीं दे रहा है, सब्जी कच्चा कच्चा बना के दे रहा है, एक सब्जी बन रहा है, और मास्टर साहब को कल कम्प्लेट करने गया तो बोल रहा है कि हमारा बारात में आए हो क्या, उसको बोल रहे हैं तो फैन लगा दो, कुछ फैन लगाने के लिए बोल रहे हैं, मच्छर काट रहा है, उसके सिवा तो क्या फायदा है यहाँ पर रह के, मुझे फैसिलिटी दे रहा है, कुछ फैसिलिटी नहीं मिल रहा है यहाँ पर, मच्छर काट रहा है, पूरा मच्छर है उस रूम में। जो शिकायत है वो क्या सही है? क्योंकि आप जो शिकायत है, बच्चों का जो शिकायत है, मैं अंचल अधिकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी जिला पदाधिकारी महोदय को भी व्हाट्सएप फेसबुक में हमने चलाया जी। और ब्लॉक जाकर के मैंने सीओ साहब वीडियो साहब को भी शिकायत किया कि हमारे पंचायत में जो कोरोना सेंटर बना हुआ है सबके वो चीज़ का कमी है, इसमें ध्यान दिया जाए। किसी किसी स्कूल में पानी का व्यवस्था नहीं है, लेटरिन का व्यवस्था नहीं है, लोगों को शौचालय के लिए मुश्किल हो रहा है, लोग बाहर शौचालय के लिए जा रहे हैं, और खास करके उत्क्रमित मध्य विद्यालय अमलझारी में ना पंखा का सुविधा है, ना शौचालय का सुविधा है, और किसी तरीके का खाने पीने का, मैंने जब निरीक्षण करने के लिए बार बार आ रहा हूँ मैं, तो निरीक्षण में बच्चों लोग जो प्रवासी मजदूर है, ये लोग खाने का बार बार शिकायत कर रहे हैं कि हम लोगों को खाना खिलाया नहीं जाता है, और जो सारे शिक्षक हैं उनके जरिए धमकी दिया जा रहा है कि तुम लोग हमारे बारात में नहीं आए हो, तुम लोग ए सी लगा के देंगे या तुम लोगों को और कोई सामान खिलाएंगे। सरकार का जो निर्देश है उसी के निर्देश पर हम काम कर रहे हैं। आपका मांग क्या बच्चों के प्रति? मेरा प्रति मांग के बच्चों को सरकार के द्वारा जो पालन किया गया है, जो बिछावन वगैरह के लिए, खाने पीने के लिए, नहाने धोने के लिए, उसका इंतजाम किया जाए। और आज तक छह दिन से सात दिन सेंटर को चलने का हो गया है, अब तक कोई सामान प्रवासी मजदूर को नहीं मिला है। आपका नाम? मैं पंचायत समिति जायदलम। सर, प्रवासी मजदूर द्वारा आपके आपके ऊपर आरोप है कि आप उनको, आप पर शिकायत करने पर आप बोले कि मेरे बारात में आएंगे, क्या ये सही है? कितना गलत है बताइए। नहीं, ये सही नहीं है।
इसलिए ये सही नहीं है कि वो लोग कह रहा था कि रूम में पंखा लगवाइए, जनरेटर का व्यवस्था करवाइए। हम बोले कि ये क्वारंटाइन सेंटर छोटा है, इसीलिए लाइन सारा चीज़ लगा हुआ है, तार वगैरह बत्ती एक दो घंटा के लिए लाइन जाता है, तो उसके लिए मोमबत्ती कैंडल यूज किया जा सकता है। खाने पीने की सुविधा यहाँ पर ठीक नहीं है बताया जा रहा प्रवासी मजदूर। नहीं नहीं, खाने पीने का सुविधा जो बताया गया है विभाग की तरफ से कि साधारण भोजन देना है, उस मांसाहारी नहीं करना है, उस हिसाब से दिया जा रहा है खाना। सुबह में चना घुघनी मुढ़ी सलाद, उसके बाद दोपहर में दाल भात सब्जी। वगैरह की सुविधा सही नहीं है बता रहे हैं जी। बाथरूम वगैरह की सुविधा, बाथरूम जो पहले से बना हुआ है वो चल रहा है, तो सफाई वगैरह करते नहीं, सफाई भी हुआ है, लेकिन असल बात है कि जो लोग मजदूर लोग हैं जो यूज करते हैं, वो लोग यूज करने के बाद उसमें पानी नहीं डालते हैं, और तो जब एक आदमी जाएगा आप पर शिकायत करने पर आप धमकी भरी अंदाज में उन लोग बोलते हैं। किनको? प्रवासी मजदूर। नहीं, गलत ये है, ये गलत है, इसलिए ये गलत है क्योंकि हम तो उन लोगों से झगड़ नहीं सकते हैं, हम तो बोलेंगे, लेकिन वो लोग जब भी कुछ आते हैं तो सारा लोग झुंड बना के एक साथ आ जाते हैं। नाम? नाम तो कृष्ण कुमार है या गैचे जी।